अगर आप में से किसी को ये बाइक यूज में, कैश में या लीज में चाहिए तो बुलेट वन मोटर स्पोर्ट्स पर तशरीफ लाएं। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, मैं हूँ इमान इसरार और आज मैं मौजूद हूँ बुलेट वन मोटर स्पोर्ट्स पर। हमारे साथ मौजूद हैं वकास साहब जो कि पाकिस्तान में बहुत ही एक अच्छी हैवी बाइक इंट्रोड्यूस करवा रहे हैं। आइए चलते हैं इनसे पूछते हैं उस बाइक के मुतालिक। अस्सलामुअलैकुम सर। जी वालेकुम सलाम, क्या हाल चाल? जी ठीक, अल्लाह का शुक्र। सर ये आपका आइडिया कहाँ से है कि आप इतनी अच्छी अच्छी बाइक पाकिस्तान में लेके आ रहे हैं और ये वाली जो बाइक है जो आज आप इंट्रोड्यूस करवा रहे हैं इसकी स्पेसिफिकेशन क्या हैं? जी बिल्कुल, ये हम एटलीस्ट 3 ईयर्स हो गया बाइक्स इंपोर्ट कर रहे हैं और इससे पहले भी हमारा बाइक से ही रिलेटेड बिजनेस था और अभी हम नए मॉडल इसमें लेकर आते हैं। काफी बाइक्स होती हैं हमें बाइक्स, लेकिन ये बहुत अच्छी और बड़ी अट्रैक्टिव लुक बाइक है। जी डेफिनेटली, काफ़ी इसमें मॉडल्स आते हैं और इसमें डिफरेंट वेरियंट्स के अंदर बाइक आती है 250, 350 एंड 400 सीसी के अंदर। Z1000 की रेप्लिका है बाइक की और ये 400 सीसी बाइक है और इसके अलावा ये है कि इसके 6 गियर्स हैं और फ्रंट इसकी LED लाइट है और इसके अलावा ये है कि ड्यूल सिलेंडर है, 400 सीसी ड्यूल सिलेंडर, ठीक है। और जो इसकी प्राइस है वो 670,000 इसकी प्राइस है। इसकी माइलेज कितनी है सर? इसकी माइलेज जो है वो पर लीटर 20 to 25 है। इसकी मैक्सिमम स्पीड क्या है? जी ये 400 सीसी है और इसकी मैक्सिमम स्पीड जो है वो 160-170 प्लस है स्पीड। इसकी पाकिस्तान में इसकी डिमांड कितनी है? डिमांड है बट बहुत कम रेशो है इसकी, क्योंकि एक्सपेंसिव बाइक है, हर बंदा अफोर्ड नहीं कर सकता, बट जिसको शौक है, शौक की चीज़ है तो डेफिनेटली फिर वो लोग जिनको शौक होता है वो इसको परचेज करते। ये भी रिसेंटली हमारी इंपोर्ट हुई है 2020 के अंदर और विद इन बिफोर 15 to 20 days जो से ये बाइक हमारे पास आया। नहीं आया इसका? जी ये बाइक बुक है, ये वाली बुक है। जी बुक है। सर जैसा कि ये चाइना की बाइक है, ठीक है, चाइना की वैसे भी चीज़ें बड़ी बदनाम है पाकिस्तान में, तो इसके अंदर कोई डिफरेंस तो नहीं है, यानी कि ओरिजिनल और रेप्लिका में कोई डिफरेंस तो नहीं है? देखिए ऐसा नहीं है कि चाइना की चीज़ें मतलब कि ठीक नहीं होती, लेकिन आप इस तरह जिस तरह की हम चले थे चंद तक ना चले थे शाम तक, नहीं नहीं ऐसी बात नहीं है। इसमें क्वालिटी की बाइक्स चाइना बना रहे हैं और पूरे वर्ल्ड में वो बाइक्स चाइनीज़ की सेल हो रही है। पाकिस्तान में तो बहुत कम रेशो है चाइना की बाइक्स जो स्पोर्ट्स बाइक्स हैं, बट अदर कंट्रीज़ में बहुत ज़्यादा चाइना की सेल्स हैं, ठीक है, और ये क्वालिटी की बाइक्स बना रहे हैं और हम क्वालिटी की चीज़ लेकर आते हैं। देखिए चाइना को आप जिस तरह के पैसे देंगे उस तरह की वो चीज़ बना देंगे, ठीक है, तो हम क्वालिटी की चीज़ लेकर आ रहे हैं और किसी किस्म की कोई प्रॉब्लम नहीं है और आफ्टर सेल हम कस्टमर को सर्विस भी दे रहे हैं और पार्ट्स भी प्रोवाइड कर रहे हैं। सर लेट्स सपोज ये बाइक मैंने ले ली है, हमारे व्यूअर्स में से किसी ने ले ली, ठीक है, अब इसके पार्ट्स चाहिए तो वो कहाँ से मिलेंगे क्योंकि तो इम्पोर्टेड है ना? जी जी, पार्ट्स हम आपको बताया कि पार्ट्स हम इसको इम्पोर्ट कर रहे हैं, पार्ट्स हमारे पास अवेलेबल होते हैं और पार्ट्स इजीली मिलेंगे आपको हर बाइक के। जी हर बाइक के पार्ट्स मिलेंगे। सर अगर ये बाइक मेरी खराब हो जाए? जी जी, तो इसको ठीक कौन करके देगा? डेफिनेटली मैकेनिक करेगा और आफ्टर सेल सर्विस भी हम देते हैं। इसको देखें, हर मैकेनिक तो इसको ठीक नहीं कर सकता, जो इसका स्पेशल मैकेनिक होता है वो इसको ठीक कर सकता है और वो फैसिलिटी भी हम कस्टमर को प्रोवाइड करते हैं। लेट्स सपोज कि मुझे ये बाइक पसंद आ गई है पर मेरे पास 50% इसके चार्जेस हैं आपको पे करने के लिए, तो आप क्या रिडक्शन देंगे इसमें? फिर दो ऑप्शन हमारे पास आ जाती हैं, एक तो फिर हमारे पास जूस बाइक्स भी अवेलेबल होती हैं। वो कौन सी बाइक्स होती हैं? वो भी यही बाइक्स होती हैं डेफिनेटली, फिर वो कम प्राइस में बाइक्स होती हैं जो कस्टमर ले जाते हैं, उनका शौक पूरा हो जाता है और फिर आफ्टर डैट वो सेल हमें कर देते हैं। एक तो वो बाइक्स हमारे पास अवेलेबल होती हैं और सेकंड ऑप्शन ये होती है कि कस्टमर कह रहे हैं कि मेरे पास पैसे कम है और मैं नहीं खरीद सकता, तो फिर सेकंड ऑप्शन हमारे पास ये है कि हम इंस्टॉलमेंट पे बाइक्स देते हैं लाहौर के अंदर। वकास साहब आपके कीमती टाइम का बहुत ज़्यादा शुक्रिया, आपके पास जो बाइक आती रहेगी हम उसका इंटरव्यू करने आते रहेंगे और अपने व्यूअर्स को दिखाते रहेंगे। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाज़त, अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा, अल्लाह हाफ़िज़।